तो दोस्तों चिकन करी बनाने के लिए हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको हमने लंबा लंबा काट लिया है। ये अदरक और लहसुन है, देख सकते हैं आप, छोटी सी अदरक का टुकड़ा है। ये हमने आधी लहसुन की पोती ली है, जिसको अच्छे से छील लिया है। ये हमने 250 ग्राम चिकन लिया है, जिसको हमने अच्छे से धो लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, आधा नींबू, और डालेंगे नमक। इसको अच्छे से हम तलने के लिए गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये नमक डाल लेंगे हम, ताकि हमारे जो पीसेस हैं उसमें अच्छे से नमक आ जाए। इस तरीके से हम इसमें मिला लेंगे, ताकि हमारे सारे पीसेस में नमक रहे। दोस्तों इसको हम फ्राई करेंगे 2 चम्मच डाल के। पहले तो हम प्याज फ्राई करेंगे, इसलिए हम 2 चम्मच तेल डालेंगे इसमें। कढ़ाई हमारी गर्म थी, तेल हमारा गर्म हो चुका है। जो हमने प्याज कट काट के रखे थे, इनको तल लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। इस तरीके से तलेंगे दोस्तों हम, ज़्यादा जलाएंगे नहीं, हल्का हल्का तलेंगे। बस दोस्तों हमारी प्याज तल चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। दोस्तों प्याज हमारी तल चुकी है, ये हम निकाल के अब इसे हम पीसेंगे। दोस्तों जब तक हम अपना चिकन तल लेते हैं, जो हमारा चिकन रखा था नींबू नमक लग के, तेल हमारा पहले से गर्म था, हमने लो फ्लेम कर दिया था। अब हम अपना सारा चिकन डाल देंगे, थोड़ा सा चलाएंगे। चलाने के बाद हम इसे क्या करेंगे, ढककर रख देंगे, ताकि ये पानी छोड़ दे। जब तक ये पानी नहीं छूटता दोस्तों, और ये हल्का सा गल नहीं जाता, जब तक हम मसाला अपना पीस लेते हैं। ये हमने एक गरी का छोटा सा टुकड़ा लिया है, सूखा गरी का। ये हमने प्याज डाल दिया। अब हम खसखस का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, इसको हम पुस्ता भी बोलते हैं। थोड़ा सा खसखस लेंगे हम, ये आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। गरी भी आप चाहें तो डालें, चाहें तो नहीं डालें। ये हमारे अदरक और लहसुन है, इनका भी हम पेस्ट बना लेंगे। अब हम अपना चिकन देख लेंगे दोस्तों। तो चिकन हमने हमारा पानी छोड़ दिया है अच्छे से। पीसेस को हम चेक कर लेंगे, पीसेस हमारे पके हैं या नहीं। अगर हमारे पीसेस पक गए होंगे, गल गए होंगे, तो हम अपने चिकन को अच्छे से भूनेंगे, ताकि हमारा चिकन अच्छे से तल जाए। हाई फ्लेम पे हम दोस्तों भूनेंगे। हमारे चिकन के पीसेस गल चुके हैं, अब भूनने के बाद अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम अपने चिकन को। ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन तलने लगा है अच्छा सा, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर उतर कर आए। ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ये तेल था, इसमें हमने 1 चम्मच तेल और डाला था दोस्तों, ताकि ये कम तेल ना पड़े, इस वजह से। टोटल हमारा 3 चम्मच तेल लगा हुआ है दोस्तों हमारे 250 ग्राम चिकन में। ये हमने तेज पत्ता डाल दिया एक, ये 2 लौंगें डाली हैं, 4-5 काली मिर्चें डालेंगे हम इसमें, दालचीनी का एक टुकड़ा, छोटी इलायची और बड़ी इलायची डालेंगे। बड़ी इलायची हमने आधी डाली हुई है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम इसमें। फ्लेम को कर लेंगे लो, ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, अदरक लहसुन में हम अपने चिकन पीसेस को भून लेंगे अच्छे से, ताकि अदरक लहसुन का फ्लेवर इसमें हमारे पीसेस में उतर आए अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन अच्छे से इसमें फ्राई हो चुका है। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज का पेस्ट, इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे दोस्तों। प्याज हमारी पहले से तली हुई है, इसलिए हम प्याज को ज़्यादा जलाएंगे नहीं, हल्के ही से भूनेंगे दोस्तों। बस इसके बाद हम सूखे मसाले डालेंगे इसमें, जिसको हमने पानी डालकर पहले से रख लिया था। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमारी आधी चम्मच से भी कम हमारी हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डला हुआ है इस पेस्ट में। ये हमने इसमें डाल दिया है, ताकि ये अच्छे से मिल जाए इसमें मसाले। इस तरीके से भुनाई हम अच्छे से कर लेंगे अपने मसाले की। अब आधी चम्मच हम नमक डालेंगे दोस्तों। नमक डालने के बाद अच्छे से हम भून लेंगे तेल उतरने तक। अब हम इसमें पानी कर देंगे, जब तक हमारा तेल उतरा है, उसके बाद हम पानी करेंगे इसमें। पानी हमने 1 गिलास डाला हुआ है, अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी ग्रेवी हमारी बनकर आई है। अभी हमने आधा गिलास डाला है, आधा गिलास हम बाद में डालेंगे, 1 ही गिलास पानी डालेंगे टोटल। बहुत अच्छी ग्रेवी बन के आती है दोस्तों, इस तरीके से बनाने पर बहुत टेस्टी चिकन लगता है आप खाने में। ये हम 1 मिर्ची डालेंगे हरी वाली, फ्लेवर के लिए थोड़ी सी काट के, जिसको हमने रख लिया था पीसेस में। ये देखिए दोस्तों, हमारा खोल आ चुका है। अब थोड़ा सा ग्रेवी हमारी अच्छी पक चुकी है, और थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे आधा गिलास।
बस अब हमें पानी पकाना है, क्योंकि हमने पहले ग्रेवी पकाई थी, अब हमें सीरा करने था तो हमने पानी पकाने के लिए डाला है। 10 मिनट तक हम बस पका लेंगे पानी को अच्छे से बंद करके, और 10 मिनट बाद हम खोल के देखेंगे। हमारी ग्रेवी भी पक चुकी है और चिकन के पीसेस भी नरम हो चुके थे। देखिए दोस्तों, बस 2 मिनट तक और पकाएंगे और बस हमारा चिकन बन के रेडी है। दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।